जमात इस्लामी हिंद शोबे खवातीन की जानिब से 26 फरवरी बरोजी इतवार आमखास मैदान पर शरिया कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जा रही है, लिहाजा खवातीन इस कॉन्फ्रेंस में बड़ी तादाद में शिरकत करें। यह अपील अमीर मकामी मौलाना इलियास फलाही ने शरिया से की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़्ल एहसान है कि उसने हमें इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई है। इस्लाम जिंदगी में हमारे लिए निजात का रास्ता है, जन्नत की जमानत है और दुनिया में जितनी नेमतें हैं उनमें सबसे बड़ी नेमत खुदा की जानिब से इस्लाम। लेकिन आज हम महसूस कर रहे हैं कि दीन का शऊर और उसकी वाकफियत हमारी ख्वातीन में बहुत कम है, जिसके नतीजे में बहुत सारी बुराइयां हमारे समाज में दाखिल हो रही हैं, दर आ रही हैं। ऐसे मौके पर मुस्लिम ख्वातीन को दीनी शऊर से आरास्ता करने के लिए, उनको अंधेरों से रोशनी की तरफ लाने के लिए, उनकी जिंदगियों में पाकीज़ा अखलाक और अखदार को पैदा करने के लिए और उनको तकद्दस का रिश्ता अता करने के लिए और उन ख्वातीन को जन्नत का वारिस बनाने के लिए और उन ख्वातीन को समाज को सही बुनियादों पर तामीर करवाने के लिए हम दावत दे रहे हैं कि वो तफीम शरीयत कॉन्फ्रेंस 26 फरवरी बरोज इतवार आम खास मैदान औरंगाबाद में तशरीफ लाएं। 26 फरवरी बरोज इतवार आम खास मैदान में 10 से 2 बजे यह अजीमुशान कॉन्फ्रेंस मुस्लिम ख्वातीन के लिए एक इनकलाब आफरी और एक दीनी हमियत से भरपूर इज्तिमा है, जो इंशाअल्लाह ईमान की ताजगी और दीनी शऊर में इजाफे का सबब बनेगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस इज्तिमा में शिरकत फरमाकर अपनी दुनिया व आखरत की कामयाबी के रास्ते को समझने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक।